भारत लगातार चौथे वर्ष तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार। भारत ने सबसे तेजी से बढ़ने वाले उड्डयन बाजार का रुतबा लगातार चौथे साल बरकरार रखा है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की ओर से जारी 2018 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के घरेलू बाजार ने लगातार चौथे वर्ष 18.6% की सबसे तेज वृद्धि दर हासिल की। IATA के अनुसार भारत के बाद उड्डयन में सर्वाधिक 11.7% की वृद्धि दर हासिल करने वाला देश चीन रहा है। दोनों ही देशों में घरेलू मांग बढ़ने की प्रमुख वजह सुदृढ़ आर्थिक विस्तार के अलावा युगल शहरों के बीच उड़ानों में बढ़ोतरी रही। खासकर भारत में लगातार 50वें महीने अक्टूबर 2018 में दो अंकों की वृद्धि दर देखने में आई, जबकि चीन में अर्थव्यवस्था के बढ़ते आधुनिकीकरण के चलते हाल के महीनों में कुछ सुस्ती के संकेत दिखाई दिए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के अनुसार 2018 में 13.9 करोड़ घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा की। यह संख्या 2017 के मुकाबले 18.6% अधिक है, जब 11.7 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा की थी। इससे पहले 2017 में भारतीय घरेलू क्षेत्र में वृद्धि दर 17.3%, 2016 में 23.2% तथा 2015 में 20.3% रही थी। IATA की रिपोर्ट बताती है कि 2017 और 2018 दोनों वर्षों में वैश्विक स्तर पर घरेलू हवाई सफर में औसतन 7% का इजाफा हुआ था। इस दौरान भारत और चीन की अगुवाई में तकरीबन सभी बाजारों ने बढ़त हासिल की। भारत और चीन दोनों की वृद्धि दर दोहरे अंकों में रही। इस दौरान वैश्विक क्षमता में 6.8% तथा लोड फैक्टर में 83.0% की बढ़ोतरी हुई। यह 2017 के मुकाबले 0.2% अधिक थी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस वर्ष भी इसी प्रकार की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे अर्थव्यवस्थाओं को भी मदद मिलेगी। वैश्विक बाजारों में पिछले 6 महीनों के दौरान देखी सुस्ती के लिए विशेषज्ञों ने ब्रेक्सिट तथा चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव तथा अनिश्चितता को जिम्मेदार ठहराया है।